ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਕਮੇਡੀ ਹੈ ਜਸਪਾਲ ਹੰਸ ਜੀ ਉਹ ਕਮੇਡੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਵੋ ਇਧਰ ਉਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੀ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ माननीय माताएं एवं बहनों और सभा में उपस्थित सज्जनगण और मंच पर आसीन सारे किसान भाइयों, जो भी मेरी आवाज़ जहां तक जा रही है, जो भी सुन रहे हैं, मैं उनको सत-सत नमन करता हूं। वाहेगुरु, वाहेगुरु की फतह। मेरा नाम इंजीनियर सुरेश चौधरी है और क्रांतिकारी विकास दल के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बिहार में मेरा 3800 जिला में मेरा संगठन है और मैं चलता हूं। आज दोस्तों उतना दूर से मैं चल करके यहां पे आया हूं, आने के पीछे कोई ना कोई एक कारण होगा, तभी मैं आया हूं, वरना ऐसे नहीं आता। तो आज जो भी सरकार जितना दिन भी चला, जैसे भी चला, लेकिन इतनी गंदी सरकार हमने नहीं देखा था। इसने तो फांसी पे चढ़ा दिया। एक फिल्म हमने देखी थी, उसमें लिखा हुआ था, हीरे मोती तुमने छुपाए हम कुछ न बोले, अब आटा चावल भी छुपाए तब अपना मुख खोले। ये पब्लिक जानती है। ये अभी तक इन्होंने रेल बेच दिया, समुंदर बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, सारे टेलीफोन के संचार बेच दिए, हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन अब इन्होंने अपनी पूरी हिंदुस्तान के पूरे देश की जमीन बेच दिया। एक काले अंग्रेज से भी काले हो गए। इतना तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था जो इन्होंने किया। इनकी पूर्ण साजिश पुनः जलियांवाला बाग लगाने की है। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे बच्चे कल के पूछेंगे कि पापा मुझे पता नहीं था लेकिन आपको तो पता था, हमारी जमीन क्या हाल लगी, क्या कर दिया आप। तो हम उनके लिए आए हैं, आने वाले बच्चों के लिए आए हैं, आने वाले बच्चों के लिए आप अपनी धरोहर को बचाइए, करो या मरो। इनके पास 3 कानून ऐसे लाए हैं कि हम लोग जो किसान हैं वो बंधुआ मजदूर हो जाएंगे, वो हल में हम लोग जोता जाएंगे, ऐसा कानून है। आज जिनको नहीं पता है तो हम गुजारिश करते हैं कि एक एक भाई 1-to-1 माउथ एक दूसरे को शेयर करें, घरे घर बताएं, अपने बच्चों को बताएं, अपने पड़ोसियों को बताएं, आसपास के लोगों को बताएं कि ये काला कानून है क्या। जिस दिन वो लोग जान जाएंगे उस दिन अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अरे जीता जी, अपने बेटे को तो हम लिखते ही नहीं है जमीन। जब हम जिंदा हैं तो मेरा बेटा कहता है कि पिताजी आप जमीन लिख दो, 2 भाई बेटे हैं तो वो कहता है लिख दो। हम क्या लिखना चाहते हैं? जब हम लिखना नहीं चाहते, बेटे को नहीं देते, इन अंग्रेजों का क्यों दें? ये जबरदस्ती, जो वस्तु हम लेना नहीं चाहते वो जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? तुम्हें यदि अच्छा लग रहा है, दुगना लग रहा है तो तुम ले लो, अपनी चीज अपनी वापस ले लो, भाई हमें नहीं चाहिए। इस चीज को मैंने महसूस किया, क्योंकि MSP आपको मिलती है और हमारी MSP नहीं मिलती है। बिहार में 2006 में खत्म हो गया मंडी, बिहार में 2006 में खत्म हो गया। आज बिहार की हालत देखो क्या है, एक किसान की आमदनी मात्र 3-3.5 हजार रुपया है, एक किसान की आमदनी मात्र 3.5 हजार रुपया है। आप बताओ ये 3.5 हजार रुपया में वो अपना परिवार दी लेगा? आज देखो बिहार की क्या हालत है, दाने दाने के लिए मोहताज है। आपको MSP मिल रही थी इसलिए आपको MSP की जानकारी थी कि हमारी जो गेहूं वहां पे 1100 रुपया में बिक रहा है वो यहां 1900-1950 में सरकार ले लेगी, तो आपको पता था, आप इसका आनंद ले रहे थे। हम लोग को तो पता ही नहीं था, तो आनंद क्या लेंगे, खाक लिए नहीं। तो ये पंजाब और हरियाणा ये 2 लोगों को पता था कि MSP पे मेरी माल बिकेगी, वो भी आपकी बिकी नहीं है, वो भी 6% बिकी है। माने MSP भी माल भी बिकी है तो 6%। जब हम कहते हैं कि सरकार को इसमें लेने में कोई घाटा नहीं है,
अरे हम भीख तो नहीं मांग रहे, हम अपनी फसल दे रहे हैं और उसके एवज में आप व्यापार करो, आप व्यापार क्यों नहीं करते? तो वो कहती है कि हम व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं, हम खाली टैक्स वसूलेंगे। और टैक्स वसूले क्या, और व्यापार कौन करेगी? अडानी और अंबानी एक करेंगे। तो भाई साहब आप सोच लो कि अभी जो 30 रुपए किलो हम आटा खा रहे हैं, ये आटा 150 रुपए किलो मिलेगा ही 2 साल के बाद, ये पक्की गारंटी है। जब 30 रुपए किलो में आधी आबादी भूखे मर रही है, 2 रोटी उनके पास नहीं है, आपने लॉकडाउन में देख ही लिया क्या हालत है। पंजाब से हरियाणा से बिहार के लोग कहां गए? साइकिल पर लाद करके लेके गए। क्या कर दिया इन्होंने? तो इनकी साजिश बहुत लंबी है। इनकी साजिश है कि हम इन लोगों, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, भारतीय जितने भी लोग हैं, इनको हम बंधुआ मजदूर बना करके रखें। इनकी मंशा यही है। तो इन्होंने पहले क्या किया हमको, पहले दलितों को कुचला, फिर अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को कुचला, फिर सिखों की कुचलने की बात आई। जब सबको कुचलते कुचलते थक गए तो कहे कि इनके पास तो पैसा भी है तो इनकी जमीन छीनो, मैंने एकदम नंगा कर दो, अब तब कुचलेंगे। तब ये कानून इन्होंने लाई और ला करके आज देख लीजिए क्या दशा है। तो पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने नोटबंदी किया। घर से हमारी माँ बहनों का जो पैसा लुका छिपा के रखती थी उस पैसे को भी निकलवा लिया। नोटबंदी से हो गया तो छोटे मोटे ट्रेडर्स जो बिजनेस व्यापार करते थे उस पर GST लगा दिया, तो GST से पैसा ले लिया। बची खुची आ गई तो कोरोना आ गया, इनको बड़ा बहाना मिल गया कि अब सब घर में कैद हो जाओ। अरे 56 इंच के सीना वाले 18 घंटे काम करते हैं, तो 18 घंटे क्या किया, यही बनाया। कोरोना में हम लोग मरते रहे और ये बनाता रहा, अब बना करके लागू कर दिया। देख लो इनकी, कोरोना में हमें 2 रोटी नहीं थी और अंबानी और अडानी की 10 गुना वृद्धि हो गई, हुई ना, उनकी आमदनी बढ़ते रह गई और हमें खाने को नसीब नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इस साजिश को समझना है। जिस दिन हम साजिश को समझ में आ गए, और हम, मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में साजिश को समझने वाला मात्र एक पंजाब है और एक हरियाणा है, यही 2 स्टेट समझे, बाकी स्टेट को तो मिलता ही नहीं तो समझ में क्या आएगा। तो अभी ऐसे इनकी हाथ गोड़ नहीं टूटेगी, इनको हाथ गोड़ तोड़ने के लिए अभी बंगाल में ये वोट की बात सुनते हैं तो इनको वोट से ही तोड़ देंगे, धीरे धीरे तोड़ेंगे। तो अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, हम जिस तरह का लंगर हम यहां चला रहे हैं, गाजीपुर में लंगर चला रहे हैं, चेक रिपोर्टर पर लंगर चला रहे हैं, पंजाब यहां पर चला रहे हैं, यही लंगर 2 महीना के लिए बंगाल में चलाया जाए। और यदि बंगाल में लंगर चल गई तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि BJP इसका नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। मैं आज बिहार से यह बात को कहने के लिए आया हूं, अब मैं दावे के साथ कहता हूं मैं बिहार से 5 लाख आदमी को यहां लाऊंगा। मेरा 3800 जिला में संगठन है, हमें कुछ सोचने की जरूरत, रेल नहीं चल रहा, यदि रेल चलती तो आप देख लेते मैं कौन तमाशा करता। अफसोस कि एक टिकट लेने जाओ तो 20 दिन लगता है, और वो भी एक टिकट पर 289 रुपया GST लिया इसने, 206 रुपये की 206 की टिकट और 289 रुपया GST, 510 रुपये। बताओ कितना परसेंट GST लेते हो यार, 206 रुपये की टिकट है और 289 रुपया GST ले लिया। टिकट देखो मेरे पास है, ये देखो इसमें GST है, इसमें GST 289 रुपया है, ये देखो GST। बताओ कौन चढ़ेगा, किसकी औकात है ट्रेन पर चढ़ने के? कल तक बिहार के मजदूर ट्रेन पर सवार होकर के आ जाते थे, आज एक भी आदमी आएगा? एक भी आदमी नहीं आएगा। इतनी पहरेदारी कर दी, इतना एक कर दिया। भैया आप लोग नहीं समझ पाओगे, अब कमर सबकी टूटी हुई है, कोई स्टेट आगे नहीं आ सकता है।
ना कोई स्टेट आएगा, ना कोई धर्म आएगा, ना कोई कौम आएगा, क्योंकि सबको इन्होंने कुचल दिया। एक यहीं पे आके ये फंस गए, चूंकि किसानों की जमीन हड़पा तो किसान में भैया सबको ही है, दलित भी है, मुसलमान भी है, सारे लोग हैं, सारे धर्म के लोग किसान हैं। उनकी पेट पर तो लात पड़ी, अब हो गया मुट्ठी। अब इनकी औकात नहीं है कि ये इनको सफाया करेंगे, खाली हम लोग को जाग जाना है। तो जहां जहां चुनाव हो वहां वहां हम लंगर लगा देंगे और इनको नष्टाबोध कर देंगे। यदि प्रेम से मान गए तो ठीक है, और नहीं तो फिर वोट से मनवा लेंगे, कर लेंगे कि नहीं। इसलिए मैं आप लोग को बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत सा शब्द है, बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं पंजाब और हरियाणा पे गर्व करता हूं, और मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि पंजाब का एक एक आदमी इस काम को सुलटाने में मदद करेगा, और तब पूरा हिंदुस्तान अमन चैन से रह पाएगा, वरना ये रह नहीं सकेगा। और दो दो स्टेटों को छोड़ करके किसी स्टेट में दम नहीं है। इसलिए मैं तमाम पंजाब के निवासियों से और हरियाणा के निवासियों से निवेदन करता हूं कि आप अगुवाई का काम करें, हम लोग पीछे से धक्का देने का काम करेंगे, और वाहे गुरु वाहे फतेह हो जाएगा। इसलिए ज्यादा चिंता करने के लिए, बोलने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, हम तो विशेष रूप से आए थे बोलने के लिए, 5 मिनट का मौका मिला आपके सामने, और हम आपसे इस काम के लिए दर दर एक मुट्ठी चावल का भीख मांगेंगे, और हम अपने हिंदुस्तान को आजाद कर लेंगे। कल अंग्रेजों से खाए थे, आज इन काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। इसलिए अब मैं क्या बोलूं, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आपसे मैं सहयोग का आशा रखूंगा कि आप बंगाल को जीत करके उस दिन हम जश्न मनाएंगे। 2 मई को रिजल्ट निकलेगा, 2 मई को हम जश्न मनाएंगे, और अभी से हम लोग सब बंगाल के पीछे लग जाएं। दोस्तों यहाँ ना कोई मंत्री है ना मिनिस्टर है, सारे केंद्रीय मंत्री बंगाल भागे हुए हैं, इनके पीछे मेरा भी आदमी भागा हुआ है, लेकिन मोर्चा संभालने वाला नहीं है। ये जाके हल्ला तो कर दिए हैं, लेकिन मोर्चा कौन संभालेगा? 289 को वहाँ सीट है, उस सीटों को कौन कब्जा करेगा? तो हमारे लोग जा करके वहाँ कब्जा करेंगे, 2 महीना मेहनत करेंगे, 2 महीने में ठीक हो जाएगा, तब इनकी पसली टूटेगी, ऐसे टूटने वाला नहीं है दोस्तों ये बात को। तो इसलिए आप लोग सब अपना मीटिंग टमीटिंग कर करके जितना जल्दी से हो सके, आदमी की आपको जरूरत नहीं है, कार्यकर्ता खोजने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है, जितना कार्यकर्ता कहेंगे मैं ट्रक पर ला दूंगा और बंगाल के लिए रवाना करवा दूंगा। रेल का भी भरोसा नहीं है, रेल नहीं चलने देगा, टिकट ढाई नहीं देगा, नहीं बस पकड़ेंगे, रेल पकड़ेंगे, निकल जाएंगे, कलकत्ता पहुँच जाएंगे, अपना कैंप गाड़ देंगे, एक मरते हैं तुरंत पेपर निकाल देंगे, लंगर चालू है, किसानों का लंगर चालू है, इतना बोलेंगे सारे किसान हमारे पीछे आ जाएंगे, हो गया मेरा कार्यकर्ता, और मार देंगे धक्का। यही मेरी सोच है दोस्तों, इसीलिए उठ के मैं यहाँ आया हूँ। बाकी इनको कोई हरा नहीं सकता, इनके पास एक राम जी है बस, और तो कुछ है नहीं, राम जी राम जी राम जी चिल्लाएंगे और लोगों को भ्रमित करके अपना कोटि साध लेंगे। दूसरा इनके पास EVM है, तो EVM वहाँ चलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ ममता की सरकार है, चलने वाली नहीं है। तो इसलिए हम लोग उसको जीतने की कोशिश करें। धन्यवाद, आप लोग से नमस्कार करता हूँ। वाहेगुरु वाहेगुरु।